हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, आज भी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, बूझो एंड पहेली वर गिवन वन मिरर ईच बाय देयर टीचर। बूझो और पहेली को उनके टीचर ने, उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया। बूझो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज, वेयर एज पहेली फाउंड हर इमेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। अब क्या हुआ कि जो बूझो है, बूझो को जो दर्पण दिया गया उसमें उसने देखा कि उसमें उसकी जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रही है, वो उतने ही साइज का है जो कि उसका खुद का साइज है। यानी कैसी इमेज बन रही है? सीधी, साथ ही साथ साइज भी सेम है, ठीक है। वही जो पहेली है, पहेली के पास जो दर्पण है उस पे जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, वो कैसी है? इरेक्ट, यानी सीधा है, लेकिन उसके साइज से या उसका जो साइज है उससे छोटी, यानी उसके आकार से छोटी इमेज बन रही है। दिस मीन्स दैट मिरर ऑफ बूझो एंड पहेली आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये बताना है कि बूझो और पहेली का जो दर्पण है, इन दोनों के पास जो दर्पण है वो कैसे, ठीक है। बूझो और पहेली को उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया था। बूझो को अपना प्रतिबिंब सीधा और उसी आकार की लगी, जबकि पहेली को अपना प्रतिबिंब सीधा और आकार में छोटा लगा। इसका मतलब यह है कि बूझो और पहेली के दर्पण क्रमशः हैं। तो आपसे क्या कहा गया है कि बूझो के पास एक दर्पण है जो उसके शिक्षक ने दिया है, और वो क्या देखता है कि उस दर्पण पर उसका प्रतिबिंब सीधा और उतने ही साइज का बनता है जितना वो खुद है। इसके साथ साथ पहेली को भी उसके शिक्षक ने एक दर्पण दिया है, उनके टीचर ने एक मिरर दिया है, और वो देखती है कि उसमें उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा तो बनता है लेकिन उससे या उसके आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको क्या बताना है कि इन दोनों के पास कौन कौन से दर्पण है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला है प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर, यानी समतल दर्पण और अवतल दर्पण। दूसरा है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीसरा है प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला है आपका कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि बूझो और पहेली के पास कैसा दर्पण है। सबसे पहले हम बूझो की बात करते हैं। बूझो ने क्या कहा? बूझो ने ये कहा कि उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है दर्पण में, सीधा और उसी के साइज। अब अगर हम दर्पणों की बात करें तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। एक आपका समतल दर्पण होता है जिसे आप प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर। दूसरा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे हम दर्पणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला आपका समतल, दूसरा आपका अवतल दर्पण, तीसरा आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तीन प्रकार के दर्पण हमने पढ़े हैं, या ये तीन प्रकार के दर्पण हमारे पास होते हैं। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो आभासी होता है, वर्चुअल होता है, यानी हमें प्रतिबिंब दर्पण के भीतर मिलता है, किसी पर्दे पर नहीं मिलता।
साथ ही साथ इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो सीधा होता है तथा वस्तु के आकार का होता है। अगर हम बूझों की बात करें तो बूझों के पास ऐसा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही साथ जो उसका प्रतिबिंब है वो उसी के आकार का है। तो ऐसा जो प्रतिबिंब है वो सिर्फ आपका समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर बनाता है। यानी बूझों के पास कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। अब हम बात करते हैं पहेली की। पहेली के पास जो दर्पण है वो जो प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा है, साथ ही साथ आकार में छोटा है। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ये ज्यादातर रियल इमेज बनाता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर मिलता है, और ये प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें इसके जो इसके बाद अगर हम बात करें कि वस्तु को अगर हम इसके और पास रख दें तो उस कंडीशन में ये सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है जो कि आभासी होता है, लेकिन वो आकार में बड़ा होता है। यानी पहेली के पास ये दर्पण तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉनकेव जो मिरर है वो तो है नहीं, समतल दर्पण है नहीं, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है? उसके साइज से छोटा। अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने ये देखा है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, आभासी होता है, साथ ही साथ छोटे आकार का होता है। ठीक है, तो यानी पहेली के पास आपका कौन सा दर्पण है दूसरा, या जो पहेली है उसके पास कौन सा दर्पण है? आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका समतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, यानी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप इसका आंसर किस प्रकार से देंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जा सकता है? यहाँ पे आपसे ये कहा है कि जो आपको निम्नलिखित जो आपके विकल्प है उनमें से किसका उपयोग हम वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में यानी रियल इमेज बनाने में करते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो आपको पर्दे पर प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसा प्रतिबिंब क्या बना सकता है, कौन सा इनमें से बना सकता है? पहला आपका ऑप्शन है कॉनकेव मिरर ओनली, यानी अवतल दर्पण। ठीक है, केवल अवतल दर्पण। दूसरा है प्लेन मिरर ओनली, यानी केवल समतल दर्पण। तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर ओनली, यानी केवल उत्तल दर्पण। चौथा है बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी दोनों अवतल और उत्तल दर्पण। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, कौन सा ऐसा दर्पण है जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। जीआईसी त्रियोगी नारायण को एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अनीशा। ठीक है, तो अनीशा बेटा आप ये बताइए कि जो आपको यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं इनमें से किस दर्पण का उपयोग जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण, केवल समतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या अवतल और उत्तल दोनों। मैम बी, केवल समतल दर्पण। ठीक है, और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? सौम्या। ठीक है, तो सौम्या बेटा आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
केवल अवतल दर्पण ए। मैम बी। केवल अवतल दर्पण, वेरी गुड बेटा जी। सब सौम्या के लिए तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हाँ जी बैठ जाइए आप दोनों। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा दर्पण है जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है, जिसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो हमारे पास तीन प्रकार के दर्पण है। पहला है आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, जैसे कि जो आपके घरों में क्या होते हैं, मिरर होते हैं, आईने होते हैं जिनमें आप अपने आप को देखते हैं। तो ऐसे जो दर्पण होते हैं वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, ठीक है, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण जो है ज्यादातर स्थितियों में जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो आपको पर्दे पर प्राप्त होता है। सिर्फ एक कंडीशन में, जब आप वस्तु को दर्पण के बेहद पास रखते हैं तभी ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की यानी कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर हर कंडीशन में आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसा दर्पण है जो आपका रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर ए है, यानी केवल अवतल दर्पण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी। यानी आपसे ये कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो। यानी आपसे क्या कहा है कि आपके पास एक समतल दर्पण, इसके सामने, ठीक है, इसके सामने एक वस्तु रखी गई है, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है। हमने क्या करा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया, कितनी दूरी पर, 0.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ये आपको कहा गया। अब आपको क्या बताना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वस्तु और जो आपकी इमेज है यानी प्रतिबिंब है, इनके बीच में क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, वस्तु और जो प्रतिबिंब है उनके बीच की दूरी क्या, ठीक है, क्या पूछा गया है, वस्तु और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो, ठीक है। तो आपको ये दिया गया, एक समतल दर्पण है जिसके आगे 0.5 या 0.5 मीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी। आप ये जानते हैं इस दर्पण के पीछे आपके क्या बनेगा, प्रतिबिंब बने। तो आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पर या वस्तु और जो आपका प्रतिबिंब है इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका 2 मीटर, दूसरा है आपका 1 मीटर, तीसरा है आपका 0.5 मीटर, चौथा है आपका 0.25 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपको सही उत्तर बताना है, ठीक है। जीआईसी त्रियुगी नारायण, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध। ठीक है, तो अनिरुद्ध बेटा आप ये बताइए कि अगर हम समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 0.5 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु और उसका जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है इनके बीच की दूरी क्या होगी? मैडम जी सी वाला 0.5 मीटर।
ठीक है, तो यहाँ पे तो आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका वस्तु है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, वस्तु और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और जो दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है इनके बीच की आपको दूरी बतानी है। यहाँ पे आपका जो वस्तु है ये वस्तु है, ठीक है, और ये क्या है आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। वस्तु की दर्पण से जो दूरी है वो 0.5 मीटर, आपको इन दोनों के बीच की दूरी बतानी, ठीक है, इनके बीच की दूरी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की क्या दूरी होगी, ये बता सकते हैं आप? यहाँ पे वस्तु रखी है 0.5 मीटर पे, ठीक है, दर्पण ने क्या किया, उसके प्रतिबिंब बनाए जो दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये दर्पण कौन सा है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जो दर्पण है और जो प्रतिबिंब है इनके बीच की दूरी क्या होगी, पहले आप ये बताइए। 5 मीटर, 5 मीटर, ये 0.5 मीटर है बेटा, 5 नहीं है, 0.5, ठीक है, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो आप बताइए इसकी और इसकी दूरी कितनी होगी, ये यहाँ पे दर्पण और इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, जब जो आप 0.5 मीटर, ठीक है, वेरी गुड, 0.5 मीटर होगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे पूछा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कितनी दूरी होगी, बताइए, वस्तु 0.5 मीटर, सी वाला, सी वाला नहीं, अभी आप ये बताइए, आप वहाँ ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे आपने कहा दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 मीटर, ठीक है, और वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी भी 0.5 मीटर है, तो आप ये बताइए इस वस्तु और इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर, 10 मीटर, ये आपका 0.5 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर, दो, दो, 0.5 प्लस करोगे ना आप 0.5 से, कितना आएगा, कितना आएगा, 1 मीटर, एक, ठीक है, हाँ 1 मीटर आएगा, 0.5 प्लस 0.5 1 मीटर होगा, ठीक है, ठीक है अनिरुद्ध, आपको समझ में आया, वैसे आप बिल्कुल ठीक लगा रहे थे लॉजिक, बस आपने जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ कर दी, ठीक है जी, ठीक है, बैठ जाइए अनिरुद्ध, बैठ जाइए, सब बच्चे ताली बजाएंगे अनिरुद्ध के लिए, ठीक है, तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है बेटा, 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर की दूरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका समतल दर्पण होता है, ठीक है, अगर हम इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की बात करें तो वो उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, यानी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी होती है, ठीक है, इसीलिए आपका जो ये दर्पण है और ये जो दर्पण है और ये जो प्रतिबिंब है, ये हमने 0.5 मीटर क्यों लिया, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु रखी, इसलिए ये आपका 0.5 मीटर हुआ। अब पूछा क्या गया है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 0.5 प्लस 0.5, ठीक है, तो इसलिए आपका क्या आया, 1 मीटर आंसर, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका इसका आंसर है बी, यानी 1 मीटर, ठीक है, तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपका अगला प्रश्न है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर
अ कॉन्केव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी आपको चार जो है आपको चीजें दी गई है, दो दर्पण है और दो क्या है आपके लेंस, कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस आपको दिए गए। टू ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज, किसी वस्तु की बड़ी इमेज या बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस प्रदान किए गए हैं यानी दिए गए हैं। किसी वस्तु की विस्तृत यानी बेसिकली क्या बोला है, बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला है आपका कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का इनमें से किसी का एक उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तीसरा है कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस, यानी अवतल दर्पण और अवतल लेंस। चौथा है कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इनमें से किसका उपयोग आप बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए करेंगे, यानी जो इमेज बने वो कैसी बने, बड़ी बने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास दो दर्पण है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स, यानी अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और आपके पास क्या है, उत्तल दर्पण। तो जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं और उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो जब हम चैप्टर समझ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो आपका अवतल दर्पण होता है वो हर एक कंडीशन में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी एनलार्ज इमेज बनाता है, ठीक है। तो यानी अगर हम दर्पण की बात करें तो जो आपका अवतल दर्पण है वो एक बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरीके से अगर हम लेंस की बात करें, आपके पास दो तरीके के लेंस है, एक है आपका अवतल लेंस है यानी कॉन्केव लेंस और दूसरा है आपका उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। अब इन दोनों में जब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो आपका उत्तल लेंस होता है ये आपका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वही अवतल लेंस आपका हर कंडीशन में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण आपका हर कंडीशन में, हर स्थिति में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वही अवतल दर्पण आपका हर कंडीशन में बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका अवतल और उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हो, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, यानी अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको आज कराए गए हैं इसको भी आपको रिविजन करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।